हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ बसंत बरेट, आई एम अ लीड ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा MGI। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बॉटलिंग प्लांट में जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जिप्सा MGI को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी, अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट जो कि एक बॉटलिंग प्लांट है वहां पे अगर आप हैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर या HSC इंजीनियर तो वहां पे आपके क्या टास्क हो सकते हैं या फिर आपकी क्या ड्यूटी हो सकती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम अगर एक बॉटलिंग प्लांट में एज अ सेफ्टी ऑफिसर या HSC इंजीनियर अगर वर्क कर रहे हैं और एक बॉटलिंग प्लांट जिसके अंदर में एक बुलेट टैंक जिसमें LPG को स्टोर किया जाता है, जो कि एक बुलेट टैंक होती है, एक टैंकर होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बनाई जाती है तो बिल्डिंग का भी वर्क होता है और यहाँ पे कुछ रोड का भी वर्क होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक बॉटलिंग प्लांट में जो एक HSC इंजीनियर है उसके अंडर में कुछ बुलेट टैंक्स जो हमारे LPG को स्टोर करने के लिए टैंकर बनाए गए हैं वो आते हैं और हमारे कुछ बिल्डिंगें होती हैं, लाइक हमारे जो भी LPG जहाँ पे रिफिलिंग होगा, जहाँ पे उनको स्टोर किए जाएंगे, साथ ही साथ हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे रोड होंगे जो इस जगहों तक पहुँचने का जो हमारा एंट्रेंस होगा। ओवरऑल हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक सेफ्टी ऑफिसर या HSC इंजीनियर यहाँ पे किस तरीके से ड्यूटी देगा या उनकी क्या क्या ड्यूटी हो सकती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हर एरिया में अलग अलग टूल बॉक्स टॉक मीटिंग या फिर सेफ्टी मीटिंग एज पर हमारे जो वर्क कंडीशन है, लाइक अगर हमारा एक बुलेट टैंक जहाँ पे बनाया जा रहा है तो हमारे मैकेनिकल एरिया में आएगा, तो वहाँ पे जो भी हमारा TBT या फिर सेफ्टी मीटिंग होगा वो हमारे मैकेनिकल वर्क को ध्यान में रखते हुए होंगे। एंड जो सेकेंड होगा हमारा बिल्डिंग वर्क के लिए, तो बिल्डिंग वर्क जो हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में आएंगे, तो सिविल वर्क के अकॉर्डिंग से हमारे जितने भी वर्कर्स जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे होंगे वहाँ पे हम उनको सिविल से संबंधित जो भी हमारे एक्सकवेशन वर्क या एक्सकवेशन हैजार्ड उनसे संबंधित जो भी PPs है उनके बारे में हम उनको TBT में या सेफ्टी मीटिंग में हम उनको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम एक रोड के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पूरे प्लांट में जहां जहां पे भी रोड वर्क का काम चल रहा है, तब हम अपने वर्करों को रोड सेफ्टी के बारे में, साथ ही साथ हम स्पीड लिमिट को लेके बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज जानकारी दूं, स्पीड लिमिट के बारे में हमारे चैनल पे एक वीडियो है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो एक बार आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि हर इंडस्ट्री पे, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो LPG प्लांट हो, चाहे वो केमिकल प्लांट हो, हर जगह पे स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। तो आप रोड वर्क के दौरान आप अपने वर्करों को स्पीड के बारे में भी बताएंगे कि स्पीड लिमिट क्या होती है, एंड देन रोड वर्क के दौरान जो भी हमारे हैवी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियां अंदर प्रवेश करेंगी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उन गाड़ियों का क्या एक्टिविटी रहेगा, साथ ही साथ उनके क्या क्या पेपर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज रहेंगे फ्रेंड जो अगर आप एक बॉटलिंग प्लांट में काम कर रहे हैं, लाइक अगर वहाँ पे कुछ हमारे केमिकल में भी वर्क हो रहे हैं, लाइक अगर वहाँ पे हमारा LPG को स्टोर करने के काम अगर चालू हो चुका है, तो जो भी हमारे LPG लाइक प्रोपेन ब्यूटेन का जो भी कंसंट्रेशन रेशियो जो रहता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि एक LPG प्लांट के अंदर में जो हमारा LPG बॉटलिंग प्लांट होता है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो पार्ट है, डिपार्टमेंट है, जिसके मैंने कुछ मेन पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया हूँ, जो हमारे कुछ बुलेट टैंक्स बैठेंगे, लाइक हमारे कुछ बिल्डिंगें बनेंगी, हमारे कुछ शेड बनेंगे, तो एज पर जो बिल्डिंग क्राइटेरिया हमारे जो होते हैं, जैसे हमारा NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के थ्रू हमारे बिल्डिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। और आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारे डेली टू डेली जो भी हम टीबीटी प्रोवाइड कराएंगे हम अपने वर्करों को सेफ्टी मीटिंग देंगे, हम उसमें एज पर जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड के थ्रू वहाँ पे क्या सेफ्टी हमें देखना है या फिर हमारा बिल्डिंग का क्राइटेरिया क्या है, इन सभी चीज़ों पे हम अपने वर्करों को अवेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स हैं जो एक सेफ्टी ऑफिसर को या HSC इंजीनियर को पता होना चाहिए जब कहीं पे भी LPG बॉटलिंग प्लांट का अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे इस टाइप के कुछ आपके पास क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ सकती है, आपके कुछ वहाँ पे रोल्स हो सकते हैं। आई होप दोस्तों, हमारे द्वारा ये जो वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आया होगा।